हाय फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और इस चिलचिलाती गर्मी में अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि हम गर्मियों में भी फ्रेंड्स अपने गार्डन को रंग बिरंगा कलरफुल बना सकते हैं और फ्रेंड्स कम जगह में ज़्यादा प्लांट लगाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका फ्रेंड्स जो कि मैंने अपने यहाँ ट्राई किया है और मुझे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने एक ये बॉटल कट्स करी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इस बॉटल को कट करके फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से ये जो पाइप है, ये पाइप फ्रेंड्स जो हमारे घर में पानी की फिटिंग होती है उसमें काम आते हैं। तो फ्रेंड्स बिजली की फिटिंग के पाइप होते हैं, पानी की फिटिंग के पाइप होते हैं, उसमें फ्रेंड्स ये आराम से एडजस्ट हो जाती है बॉटल। और फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से इसको लगा रखा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और फ्रेंड्स दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने इसमें सिंगोनियम लगा रखा है। मेरा पॉट फ्रेंड्स ये 10 इंची का है और इस पॉट में मैंने सिंगोनियम लगाया है फ्रेंड्स। और आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स कि सिंगोनियम की जो हाइट है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है, होते होते फ्रेंड्स ये ऊंचा हो जाता है। तो फ्रेंड्स उस हाइट को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने ये प्लांटर इसमें एडजस्ट किया है। जब भी सिंगोनियम की हाइट फ्रेंड्स यहाँ तक आएगी इतना ऊंचा तो हो ही जाता है फ्रेंड्स ये प्लांट इतना ऊंचा। तो फ्रेंड्स उस टाइम नीचे सिंगोनियम और ऊपर मेरे ये कोलियस जब पूरी तरह से निकल के आएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही मेरा प्लांटर बहुत अच्छा लगने वाला है। और मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी फ्रेंड्स जब इसकी खूबसूरती और निकल के आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने कई प्लांटर बनाए हैं और उसमें मैंने कलरफुल प्लांट, मनी प्लांट और सदाबहार फ्रेंड्स जिसको विंका भी बोलते हैं, तो मैंने कुछ एक प्लांट लगाए हैं और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मेरे गार्डन में। मैं आपको एक प्लांटर और दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें भी मैंने कोलियस की वैरायटी लगाई है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा ये पॉट लग रहा है। और फ्रेंड्स नीचे मैंने ये फोन की वैरायटी लगाई है जो कि बहुत अच्छे से चल रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये समर्स में हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। बस इतना ख्याल रखें कि इनको शेडी एरिया दें, डायरेक्ट सनलाइट ना दें, तो फ्रेंड्स हमारे गार्डन में ये बहुत खूबसूरती से चलते हैं। मैं तकरीबन आपको ये दिखाती रहती हूँ अपना फेवरेट प्लांट। सो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी कटिंग हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। फ़िलहाल तो फ्रेंड्स कोलियस की कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि इस टाइम बहुत सूखी गर्मी पड़ रही है। हाँ फ्रेंड्स इसको आप बरसात में ज़रूर ट्राई करें जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती से निकल के आती हैं। फ्रेंड्स मैंने इसमें दो कलर के कोलियस लगाए हैं, आप देख सकते हैं एक ग्रीन में है और एक हल्का सा रेड टाइप में है फ्रेंड्स। और इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये पूरा पॉट बहुत अच्छा लग रहा है और फ्रेंड्स मैं इसको अगर कहीं भी रख दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फ़िलहाल तो ये जहाँ भी रखा है वहीं पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इस पॉट को शेयर करूं। तो छोटे छोटे इस तरीके के आइडियाज़ फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे यूज़ में आते हैं। और ये बग़ैर पैसे का फ्रेंड्स मेरे यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा था तो उसमें से ये कुछ पाइप वगैरह निकले थे जिनको मैंने फेंकने की बजाय यूज़ में ले लिया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स पहली बार दिख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।